नमस्कार, क्यूरियोसिटी के जुलाई एपिसोड में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ डॉक्टर नम्रता। इस एपिसोड में हम देखेंगे पिछले महीने की रही कुछ खास दिलचस्प अध्ययन और समाचार, इस महीने मनाए जाने वाले कुछ खास दिन और देखे जाने वाले बायनोकुलर इवेंट्स और कुछ महत्वपूर्ण आवेदन। खबरों में सबसे पहले बात पर्यावरण। लैंसेट के एक पेपर के अनुसार मौसम के साथ देखे जाने वाले वायु प्रदूषण के कारण जीवन प्रत्याशा 10 साल तक कम हो सकती है। ये एक सोचनीय विषय है कि इस कीमती जिंदगी के 10 साल प्रदूषण के प्रकोप में है। उत्तर भारत में हर साल नवंबर, दिसंबर और जनवरी में यह वायु प्रदूषण बहुत अधिक हो जाता है। पिछले महीने UNEP की पर्यावरण प्रदूषण की रैंकिंग में हमारे देश का 180वां स्थान रहा, जो हमें पर्यावरण के प्रति अधिक जागरूक होने का निर्देश देता है। इस साल स्टॉकहोम सम्मेलन के 50 साल पूरे हो गए हैं और ये संयुक्त राष्ट्र के एक प्रमुख सम्मेलन में से एक है और UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसी से जुड़ा है। इससे संबंधित आप डाउन टू अर्थ पत्रिका में प्रोफेसर फेलिक्स के इस रोचक लेख को पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रोफेसर फेलिक्स की जीवन कौशल लाइफ स्किल्स पर लिखी एक किताब भी अब अमेजोन पर उपलब्ध है, आप इसे भी देख सकते हैं। अगली खबर PhD दाखिले के नए नियमों से जुड़ी है। हमारे देश की नई शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत अब 4 साल के BSc स्नातक के बाद PhD में सीधा नामांकन किया जा सकता है, जो नई शिक्षा नीति के तहत एक बड़ा बदलाव है। इस नियम को लागू करने पर काम जारी है। एक रोचक पेपर के अनुसार महिलाओं को पुरुषों से अधिक ठंड लगती है, जिसका कारण उनमें अलग मसल मास की मात्रा से जुड़ा है। पिछले महीने की एक खबर में हमने देखा था कि माइक्रोप्लास्टिक फेफड़ों में पाए गए हैं, जो तिल के जैसे छोटे आकार के होते हैं। अभी माइक्रोप्लास्टिक एंटार्क्टिका में पाए गए हैं। पर्यावरण में इस तरह के अवांछित तत्वों का पाया जाना सकारात्मक संकेत नहीं है। इसे फिल्टर करने की तकनीक हाल ही में सामने रखी गई, जिसको हटाने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तैयार होंगे। लेबोरेटरी के साथ साथ एक बड़े पैमाने पर किए गए परीक्षण के अनुसार जैविक रूप से सक्रिय रेतीली सैंड इन्हें फिल्टर करने में 99% से भी अधिक प्रभावी है। एक नए अध्ययन से पता चलता है कि सामाजिक कल्याण प्रभावी रूप से अपराध को रोकता है। सजा के बजाय कल्याणकारी योजनाओं पर निवेश करना और प्रतिशोध को छोड़ सुदृढ़ीकरण और पुनर्वास की योजना को अपनाना समाज में आपराधिक गतिविधियों को कम करने में कारगर है। एक और अतिरिक्त अध्ययन में ये देखा गया कि माता पिता द्वारा अपने बच्चों से नियमित रूप से करवाए जाने वाले घर के काम की आदत उनके शैक्षिक प्रदर्शन को और समस्या के समाधान कौशल को सुधारती है। ये बच्चों में योजना, स्वनियमन यानी सेल्फ रेगुलेशन, कार्यों के बीच स्विच करना और निर्देशों को याद रखना जैसी क्षमताओं को बढ़ावा देती है। ये पेरेंटिंग की एक जरूरी टिप है। मेरा सोचना है कि क्या मेरे अच्छे ग्रेड्स का कारण बाकी यही था। एक नए शोध के अनुसार जब बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर गतिविधियों में शामिल होते हैं तो वे अपने उन साथियों की तुलना में अधिक खुश और स्वस्थ महसूस करने की संभावना रखते हैं जो स्क्रीन के सामने अधिक समय बिताते हैं। और मेरे अनुसार बच्चे ही नहीं, बड़ों में भी ये प्रभाव देखे जा सकते हैं। मैं स्वयं अपने जीवन में इस तथ्य का सीधा प्रमाण अनुभव करती हूँ। अगली रोचक खबर के अनुसार परिशिक्षित कुकुर सूंघ कर कोविड के संक्रमण को परीक्षण करने में सक्षम है। और तो और, बिना किसी लक्षण वाले संक्रमित लोगों की पहचान करने के लिए ये PCR परीक्षणों से भी बेहतर है। हेलेंस की एयरपोर्ट पर इनकी मदद पहले से ही ली जा रही है। एक अध्ययन में देखा गया कि एंटी वैक्सर्स को लेके बनाए गए मनोरंजक मीम्स वैक्सीनेट होने के इरादे को बढ़ावा देते हैं। तो दोस्तों, मीम्स फायदेमंद भी हो सकते हैं। एक नए अध्ययन के अनुसार टाइप 2 मधुमेह के इलाज के लिए स्वीकृत दवा ट्राइजेपेटाइड और सेमाग्लुटाइड मोटापा कम करने में बेहद प्रभावी है। ये दोनों प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हार्मोन पर काम करती हैं, जो ब्लड शुगर को नियंत्रित करने के साथ साथ भूख को नियंत्रित कर मोटापे की समस्या को दूर करने में लाभदायी है। खबर फिर से पर्यावरण की। भूमि परिवर्तन आधुनिक दुनिया में जैव विविधता के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है। एलन और उनके साथियों ने पाया कि जैव विविधता के प्रमुख नुकसान को रोकने के लिए 44% स्थलीय भूमि पारिस्थितिक रूप से सुदृढ़ होनी चाहिए, जो इस समय के आंकड़ों के अनुसार मात्र 15% के पास ही है। एक नए अध्ययन से पता चलता है कि नेता आमतौर पर सामान्य जनता की तुलना में लंबे जीवन का आनंद लेते हैं, शायद इसलिए कि उनके पास चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने के लिए अधिक वित्तीय सुरक्षा और राजनीतिक पहुंच होती है, जो उन्हें अच्छी से अच्छी चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त कराती है। एक नए रोचक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने एक स्ट्रेचेबल और वाटरप्रूफ फैब्रिक विकसित किया है, जो शरीर की गतिविधियों से उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है।
नए कपड़े के 3 से 4 सेंटीमीटर टुकड़े द्वारा 100 LED को प्रकाश में लाने के लिए पर्याप्त विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। नेचर में प्रकाशित एक पेपर के अनुसार वैज्ञानिकों ने इस बात के प्रमाण पाए हैं कि पृथ्वी का आंतरिक कोर औसतन 3 लाख वर्षों में एक बार के फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल 3 लाख साल बाद अपनी जगह बदल लेते हैं। ये दिन की लंबाई में होने वाले प्रभाव को भी बताता है, हालांकि इसका जलवायु परिवर्तन पर किसी तरह के प्रभाव का कोई प्रमाण नहीं है। जलवायु परिवर्तन मूलतः मानव केंद्रित गतिविधियों पर निर्धारित है, जिसमें एमिशंस एक महत्वपूर्ण कारण है। एक और नई रोचक अध्ययन में देखा गया कि कछुए उल्लेखनीय रूप से लंबे समय तक जीवित रहते हैं। अब हमारे पास उत्कृष्ट प्रमाण है कि कछुए में नाव के बराबर उम्र बढ़ती है। उदाहरण के तौर पर चार्ल्स डार्विन द्वारा गैलापागोस द्वीप से एकत्रित किया कछुआ 176 साल तक की उम्र तक जीवित रहा। पहले इसका कारण इनके धीमे मेटाबॉलिज्म से जोड़ा जाता रहा था, परंतु अब इसका कारण इनके बढ़िया सुरक्षात्मक तरीके में देखा जा रहा है, जिन्हें हम उम्र बढ़ाने के शोध के तरीकों में प्रयोग कर सकते हैं। एक और दिलचस्प अध्ययन में देखा गया कि ब्रेन स्कैन राजनीतिक विचारधारा की भविष्यवाणी करने में उल्लेखनीय रूप से कारगर है। विभिन्न कार्यों को करने के दौरान लोगों पर किए गए स्कैन सटीक भविष्यवाणी देने में सही साबित हुए हैं कि वे राजनीतिक रूप से कंजर्वेटिव मान्यता रखते हैं या फिर लिबरल। शोधकर्ता ने एक ऐसा कैमरा सिस्टम विकसित किया है जो ध्वनि कंपन को इतनी सटीकता और विस्तार से देख सकता है कि वह एक बैंड या ऑर्केस्ट्रा में एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट के संगीत को माइक्रोफोन की तरह इस्तेमाल करके फिर से बना सकता है। तो ये थे पिछले महीने की रही कुछ रोचक शोध खबरें। आइए देखते हैं इस महीने रहने वाले कुछ खास दिन। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस था, 15 विश्व युवा कौशल दिवस, 20 को विश्व शतरंज दिवस और साथ ही नील एक्स्टम और बेजेल्ड्रिन के 1969 में अपोलो स्पेसक्राफ्ट के द्वारा चांद पर उतरने के उपलक्ष्य में चंद्रमा दिवस भी है। 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस है। आगे बढ़ते हैं इस महीने के बायनोकुलर इवेंट्स की ओर। 4 जुलाई को पृथ्वी अपेलियन पोजीशन पर होगी। अपेलियन वास्तव में सूरज से सबसे दूरी पर है, यानी हम सूरज से सबसे अधिक दूरी पर होंगे। फिर भी यहाँ गर्मी का मौसम है, क्योंकि मौसम का बदलना सूरज से दूरी पर नहीं बल्कि एक्सियल टिल्ट अक्षीय झुकाव पर निर्भर करता है। जैसे कि अभी उत्तरी गोलार्ध सूर्य का सामना कर रहा है, इसलिए उत्तर में ग्रीष्म ऋतु है जबकि दक्षिण में शीत ऋतु। 14 को बकमून सुपरमून देखा जा सकता है। इस साल वास्तव में 2 सुपरमून है, एक पिछले महीने देखा गया और एक इस महीने। 16 जुलाई को चंद्रमा और शनि का कंजंक्शन है। 19 को चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ होंगे। 21 को चंद्रमा और मंगल का कंजंक्शन है। 30 जुलाई को 2 मीटियोर शॉर देखे जा सकते हैं, शनि ग्रह के डेल्टा मीटियोर शॉर के साथ अल्फा कैप्रिनॉइड मीटियोर शॉर है। इन सभी इवेंट्स को आप स्काई व्यू फ्री ऐप की मदद से देख सकते हैं। यदि आप ऊंचाई वाले स्थानों पर रहते हैं तो इन अद्भुत दृश्यों का जरूर आनंद लें। इस महीने भी योगा शोधकर्ताओं के लिए बेहतरीन अवसर हैं, जिनकी जानकारी आपको फेसबुक पेज पर मिल सकती है, जिसका लिंक आप इस एपिसोड के नोट्स से ले सकते हैं। इस महीने DBT के सीनियर और इंटरमीडिएट फेलोशिप के आवेदन भरे जा रहे हैं। 2024 फुल ब्राइट नेहरू डॉक्टर फेलोशिप के आवेदन खुले हुए हैं। बायोटेक्नोलॉजी विभाग के MK भान यंग रिसर्चर फेलोशिप के फॉर्म भी भर सकते हैं, साथ ही DST इंस्पायर फैकल्टी के आवेदन भी भरे जा रहे हैं। तो बने रहिए यंग अकेडमी ऑफ इंडिया के फेसबुक पेज पर हर दिन अधिक रोमांचक और जिज्ञासा से प्रेरित शोध समाचारों के लिए। हमारे पेज का लिंक साथ ही हर खबर की विस्तृत जानकारी आप शो नोट्स में दिए गए लिंक से ले सकते हैं। इस एपिसोड्स के ओरिजिनल इंग्लिश वर्जन को इस लिंक पर जाकर देख सकते हैं। इस महीने के एपिसोड में इतना ही। अपने सुझाव और विचार जरूर साझा करें। अपना और दूसरों का ख्याल रखें। बारिश के मौसम का मजा लेते रहें और कुछ नया सीखते रहें। धन्यवाद।